हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सिंपल टिश्यूज को कंपेयर करेंगे जो कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। सबसे पहले बात करते हैं सेल स्टेटस की। तो लिविंग सेल्स विद प्रोटोप्लाज्म, पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं सेल्स, प्रोटोप्लाज्म होता है। कोलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स विद प्रोटोप्लाज्म है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। बात करते हैं सेलुलर थिकनिंग की या सेल वॉल थिकनिंग की। ये सेलुलोज की बनी हुई है। यहाँ पर सेल वॉल थिन है। यहाँ पर सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, जिसे कभी कभार पैक्टो सेलुलोज भी कहते हैं, ये एक्यूमुलेट होता है सेल वॉल में। सेल वॉल इज मोर थिकन्ड एट कॉर्नर्स। जबकि यहाँ पर लिग्निफाइड सेल वॉल है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन है। ये काफ़ी हैवी डिपोजिशन होता है जो सेल को डेड भी करता है और ज़्यादा मजबूत भी बनाता है। स्क्लेरन शब्द का या स्क्लेरा शब्द का मतलब ही हार्डनिंग होता है या फर्म होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेसिस की बात की जाए तो वो वेरी करते हैं। लार्ज से लेकर स्मॉल तक दोनों तरह के इंटरसेलुलर स्पेसिस मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, क्योंकि पैरेन्काइमा फंक्शंस के हिसाब से थोड़ा बदलता भी है। इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑलमोस्ट एब्सेंट है, क्योंकि जो कॉर्नर्स हैं वो और भी ज़्यादा थिकंड हैं, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेसिस मिल रहेंगे। यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेसिस स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट मिलेंगे। अब बात करते हैं सेल शेप की। सेल शेप यूजुअली आइसो डायमेट्रिक होता है। ओवल टाइप के सेल्स मिल सकते हैं। यहाँ पर भी ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल टाइप के सेल्स ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर पॉलीगोनल ज़्यादा देखे जाते हैं, जिनके एजेस थिकंड होते हैं। यहाँ पर दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं, एक स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स और एक है स्क्लेरिट्स। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स जो कि हम इधर देख पा रहे हैं, ये एलोंगेटेड या पॉइंटेड एंड्स के साथ भी होते हैं। ये एलोंगेटेड है विद पॉइंटेड एंड्स। और जो स्क्लेरिट्स हैं वो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या ओवल टाइप की हो सकती हैं विद नैरो ल्यूमेन और कैविटीज। स्क्लेरिट्स में भी एक खास बात है, ये भी कई अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे ब्रैकिस्क्लेरिट, ट्राइकोस्क्लेरिट, एस्ट्रोस्क्लेरिट। तो उस वजह से इनका शेप भी अल्टर हो सकता है। नाउ द मेन फंक्शन, मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के मेजर कंपोनेंट पैरेन्काइमा ही बनाता है, जैसे कि कॉर्टेक्स हुआ, पिथ हुआ, एक्सेट्रा। यदि ये मॉडिफाई हो जाए तो फोटोसिंथेसिस या सिक्रीशन या स्टोरेज के फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। कोलेन्काइमा की बात करें, क्योंकि सेल वॉल थिकंड है तो वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि यंग स्टेम, पिटियोल, और ये यूजुअली फोटोसिंथेटिक होती है। बात करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो फिर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स और स्क्लेरिट सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं यदि हम ये देखें तो, अकरेंस जैसा कि हमने बताया था, कॉर्टेक्स हुआ, पिथ हुआ, ऐसी जगह पर आपको पैरेन्काइमा ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। यदि बात करें कोलेन्काइमा की, तो बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के नीचे जो एपिडर्मिस के नीचे जो कुछ लेयर्स हैं सेल्स की, जिसे हम आउटर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, ये हैविली कोलेन्काइमेटस होता है। यदि बात करें हम एग्जाम्पल्स स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स और स्क्लेरिट्स की, जो पल्प ऑफ गुआवा, पियर या एक्रस सपोर्टा है, इनके पल्प में स्क्लेरिट्स आपको मिलेंगे। तो वो जो ग्रिटीनेस ऑफ गुआवा है, गुआवा का फ्रूट या पल्प खाने पर वो जो रफनेस फील होती है, वो स्क्लेरिट्स की वजह से होती है, जो कि स्टोन सेल्स भी कहलाते हैं। फिर फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में भी मिलेगा, लीव्स ऑफ टी में भी मिलेगा, और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी आपको स्क्लेरिट्स या स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स मिलेंगे। तो ये था कंपेरिजन सिंपल टिश्यूज़ का, मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के कॉमन डिफरेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।